खोडियारनगर अर्थ आइकॉन रहीशो पानी मुद्दे त्राही मामलो कारी उठ्या छे। राज्य सरकार पोताना 5 वर्षनी सिद्धिनी उजवणी करी रह्यु छे, बीजी तरफ वास्तविक धरातल उपर चित्र जुदुं छे। वडोदरा शहेरना खोडियारनगर स्थित अर्थ आइकॉनना रहीशो प्राथमिक सगवड पाणी मुद्दे त्राही मां पुकारी उठ्या छे अने सत्ताधीशો વહીવટી તંત્રનું પાણી મપાઈ ગયું છે। એવો નથી કે આ સમસ્યા મહિના 2 મહિનાની છે, છેલ્લા 2 વર્ષથી સ્થાનિકો પાણીના પ્રશ્નને લઈને સમસ્યાઓ ભોગવી રહ્યા છે। સંબંધિત કાઉન્સિલરો અધિકારીઓને રજૂઆત કર્યા બાદ પણ સમસ્યાનું નિરાકરણ આવતું નથી। अर्थ आइकॉन 120 परिवारों समयसर पालिका ने वेरो पण भरे छे, पण सामा छेड़े पालिका शुद्ध पूरतू पाणी पण लोकोने आपी शकतुं नथी। परिणामे पालिका तंत्र सामे रोषे भरायेला लोकोए अने पाणीना वासणो वगाड़ी पालिका तंत्रनी निष्फळ कामगीरी विरुद्ध रोष ठालव्यो हतो अने सूत्रोच्चार कर्या हता। लोकोने पीवानुं पाणी स्वखर्चे मंगाववुं पड़े छे अने वपराश माटे टैंकर मंगावी पड़े छे। वारंवारनी रजूआत बाद पण निराकरण न आवता लोकोए उग्र रोष ठालवी समस्या निराकरणनी मांग करी हती। वडोदरा शहેરનો પૂર્વ વિસ્તાર છે, ખોડિયારનગર પાસે ચાર રસ્તા પાસે આવેલું અર્થ આઇકોન છે। લગભગ 120 જેટલા મકાનો આવેલા છે। કોર્પોરેશનને નિયમિત રીતે ટેક્સ ભરતી પ્રજાને કોર્પોરેશન પ્રાથમિક સુવિધાઓમાં પીવાનું પાણી નથી આપી શકતા, પૂરતા પ્રેશરથી પાણી નથી આપી શકતા અને જ્યાં મળે છે ત્યાં દૂષિત છે। અર્થ આઇકોનના લોકોએ બહારથી પીવા માટે પાણી મંગાવવું પડે છે, યુઝ કરવા માટેનું પાણી પણ એ ટેન્કર દ્વારા મંગાવે છે અને લગભગ રોજ એમને 4-5 ટેન્કરો મંગાવવા પડે છે। જો કોર્પોરેશન નિયમિત રીતે પાણીનો વેરો લઈ રહી હોય તો અધિકારીઓએ અને ચૂંટાયેલી પાંખે જરૂર છે કે આવા વેરાની સામે અર્થ આઇકોનના લોકોને પીવાનું પાણી અને યુઝ કરવા માટેનું પાણી પૂરું પાડવું જોઈએ, પરંતુ એમાં સદંતર નિષ્ફળ છે। માત્ર કોર્પોરેશન અને બીજેપીના અધિકારીઓ એ લોકોના જે 5 વર્ષની ગાથા અને એના જે તાઇફા કરી રહ્યા છે એના કરતાં ખરેખર એમને જરૂર છે કે વિસ્તારના લોકોને પ્રાથમિક સુવિધા પૂરી પાડવી જોઈએ। એ અર્થ આઇકન હે, અર્થ આઇકન 1 હે, ખોડિયારનગર 4 રસ્તા પે। तो यहाँ बेसिकली क्या है ना, पानी का प्रॉब्लम ऐसा है कि 45 मिनट पानी आता है, कभी तो जब हम कंप्लेन करते हैं तो प्रेशर 1-2 दिन बहुत अच्छा आता है, वापस से वो नॉर्मल हो जाता है। वो देख के आते हैं कॉर्पोरेशन वाले, प्रेशर की बात करते हैं, सही है, फिर वापस 2 दिन बाद वो वापस 45 मिनट आता है, लेकिन जो प्रेशर 2 दिन आता था वो वापस कम हो जाता है। तो काफ़ी बार कंप्लेन किया है, मेयर साहब को भी किया है, कमिश्नर साहब को भी, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को भी किया है। अभी तक जब कंप्लेन मैंने बताया, कंप्लेन किया है ना, 2-3 दिन पानी बहुत अच्छा आता है, उसके बाद वापस से वो नॉर्मल हो जाता है। तो अभी तो शाम को टैंक भी नहीं भरता है। उम्मीद है कि आज हम कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है आज शाम को या कल शाम को प्रेशर वापस बढ़ जाएगा, 2-3 दिन अच्छा रहेगा लेकिन वापस से वो नॉर्मल हो जाता है। तो अभी क्या है ना, आपने देखा होगा टैंकर भी आता है, हमने पीने का पानी भी मंगवा रखा है। तो अपन सब लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं कि हम सब यहाँ पे जितने लोग हैं सब प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, तो फिर उस प्रॉपर्टी टैक्स देने का फ़ायदा क्या है, हमको प्रॉपर्ली टाइम हमको जितना पानी मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिल रहा है। तो रिक्वेस्ट हम आप मतलब आप लोगों के माध्यम से मैं मेयर साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो पानी का प्रॉब्लम है ना, केवल यहाँ पर नहीं है, इस पूरे लाइन में दिक्कत है, ठीक है ना। तो जो पानी का प्रॉब्लम, जैसे पहले आज से 4-5 साल पहले यहाँ पानी का प्रॉब्लम नहीं था, इतना पानी आता था, ठीक ठाक था, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में पानी का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। ये खोडियारनगर 4 रास्ता अर्थ आइकॉन 1 सिनेमार्क से हमारे यहाँ 3 साल से पानी की बहुत कमती है। पानी 2-3 घंटे आता है फिर नहीं आता है। अभी भी आप देख सकते हो टैंकर भी आए हैं हमारे यहाँ पे, और पानी तो मतलब जैसे कि 5 बजे आता है, उसके बाद 8:30-9 बजे तक पानी चलता है, फिर पूरा दिन पानी नहीं होता है। ये एप्लीकेशन है, हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी दी थी, मेयर को दी है, उसके बाद हमने कॉर्पोरेशन में भी काफ़ी कंप्लेंट्स की हुई है, पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए हम क्या करें वो आप हमको बताओ। 120 घर है यहाँ पर, मकान है, और पानी हार्डली 2-3 घंटे आता है, तो प्रॉब्लम तो बहुत है कि जैसे कि कपड़े नहीं, काम वाली आती है तो आधे में चली जाती है सुबह में, मतलब पानी हो कभी भी आप आके ट्राई करो, अभी भी आप टंकी का भी नहीं आता है। अभी आप जो है वीडियो आप निकाल सकते हैं हमारे टैंक का कि कितना पानी है, ऊपर आप चेक देखिए कि ऊपर भी कितना पानी है और नीचे भी टैंक में आप चेक कर सकते हैं। उसके बावजूद आप घर घर में चेक कर सकते हो कि हमारे नल में पानी है कि नहीं है। 120 हाँ, हम डेली पानी पीने का बाहर से मंगवाते हैं और टैंकर आते हैं यूज़ के लिए। और हितेंद्र पटेल सर के साथ हमारी बहुत बात हुई थी, उनके साथ भी उन्होंने बहुत अच्छे से हमको ट्रीट किया था, लेकिन उनके आदमी आते हैं और फिर देख के जाते हैं कि पानी आया कि नहीं, उस दिन पे वो थोड़ा फोर्स ज्यादा दे देते हैं, नेक्स्ट डे से फिर बंद। समाचारों ना सतत अपडेट मेळवा माटे लोकमत न्यूज ने यूट्यूब ऊपर सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबावो अने अमारी साथे जोड़ाई रहो फेसबुक, इंस्टाग्राम अने ट्विटर ऊपर।